तो दोस्तों एक तरफ जहां पे एम आर टेंडर में इंडियन एयरफोर्स के तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है तो वहीं पे दूसरी तरफ एम टेंडर मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टेंडर भी एम आर टेंडर के जैसे एक बहुत बड़ा सस्पेंस बनते जा रहा है बेसिकली दोस्तों मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टो के टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चालीस से लेके अस्सी के संख्या में नए एयरक्राफ्टो को परचेस किया जाना है लेकिन इस टेंडर के साथ दिन ब दिन एक के बाद एक जो नए खबर जुड़ते जा रहा है उससे यही समझ में नहीं आ रहा है कि असल में ये जो एम टेंडर है इसका मकसद क्या है और एम टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स अपने कौन से जरूरतों को पूरा करेगा अब दोस्तों एक तरफ पे खबरों के मुताबिक टेंडर एंटोनोफ एन थर्टी टू एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाना है तो वही पे टेंडर के जो एयरक्राफ्ट के वेट रिक्वायरमेंट रखा गया है उससे कुछ और ही लग रहा है और दोस्तों अब बताया जा रहा है की एमटीए टेंडर से ही खरीदे गए एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत इल्यूजन सेवेंटी सिक्स एयरक्राफ्टों को भी रिटायर करेगा अब ऐसे में दोस्तों जहाँ पे एम टेंडर को लेके कई तरीके का सवाल बन रहा है तो पे दूसरी तरफ इस खबर से के चुने जाने का संभावनाएं बढ़ते जा रहा है दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स एम टी ए टेंडर के अंतर्गत केवल मात्र एंटोनो एन थर्टी टू जैसे एयरक्राफ्ट को ही रिटायर्ड नहीं करेगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स के इरादे में फोर इंजिन वाले इल्यूजन सेवेंटी सिक्स जैसे एयरक्राफ्टो को भी एम टी ए टेंडर के विनर एयरक्राफ्ट द्वारा रिटायर करने का एक संकल्प है अब दोस्तों यही से ही कंफ्यूजन शुरू होता है इंडियन एयरफोर्स के तरफ ऐसी जिन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इरादा बताया गया है वो उन्नीस टन ऐसी लेके तीस टन तक पेलोड क्षमता वाला होना चाहिए मतलब करीबन आधा पेलोड वाले एयरक्राफ्टों के द्वारा किस तरीके ऐसी सिक्स जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा सकता है ऊपर से दोस्तों इसी कारण के वजह से एम टेंडर में ए फोर हंड्रेड एम एयरक्राफ्ट के संभावनाओं का भी बढ़ोतरी हो रहा है क्योंकि दोस्तों ए फोर हंड्रेड एम जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो असल में इस टेंडर में सबसे हैवी एयरक्राफ्ट है इवन इंडियन एयर फोर्स के जो रिक्वायरमेंट है उससे भी अधिक वजन का ये एयरक्राफ्ट है मतलब ये करीब करीब थर्टी टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है दूसर मीडिया रिपोर्टो में ये भी जानकारी दिया जा रहा है की इसी साल के शुरुआती समय में जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जारी किया गया था उसके अंतर्गत मिला प्रोपोजल को इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इवाल्युएट भी किया जा रहा है फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे करीबन सत्रह इल्यूजन सेवेंटी जैसे एयरक्राफ्ट है जबकि इसके अलावा करीबन ग्यारह सी सेवनटीन ग्लोब मास्टर थ्री और बारह सी वन थर्टी जे सुपरकुलिस जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा करीबन एक सौ तीन An एंटेनोव एन थर्टी टू एयरक्राफ्ट भी है हालांकि दोस्तों फिफ्टी सेवन हॉकर्स सिडली एच एस सेवन फोर एयरक्राफ्ट भी है जिसका रिटायरमेंट सी टू नाइन फाइव एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जा रहा है और एक सी टू नाइन फाइव एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स एंटेनोफ एन थर्टी टू एयरक्राफ्ट का रिटायरमेंट होगा लेकिन इंडियन एयरफोर्स में सौ के आस पास एंटेनोफ एन थर्टी टू एयरक्राफ्ट है जबकि एम टी ए टेंडर के अंतर्गत करीबन चालीस से अस्सी एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादा जताया गया है जबकि एंटेनोफ एन थर्टी टू एयरक्राफ्ट टो की अगर पेलोड क्षमता को देखा जाए तो ये करीबन आठ से टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है और ऐसे में इसके जगह भरने के लिए तीस टन तक के एयरक्राफ्ट टो का अगर रिक्वायरमेंट जारी किया गया है तो ऑब्वियसली इसमें भी एक संदेह बनता है हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टो में दावा किया जा रहा है की असल में जो एयरक्राफ्ट टो के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है इसमें भारी एयरक्राफ्ट टो को इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स हल्के वजन के टैंकों तक को इन एयरक्राफ्ट टो के द्वारा फ्लाई करके पहाड़ी एरिया मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ले जा सके इंडियन एयरफोर्स केम टी ए टेंडर के अंतर्गत अब तक इंडियन एयरफोर्स के साथ सामने तीन एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है जिनमें लॉकिड मार्टिन के सी वन थर्टी जे सुपहर जैसे एयरक्राफ्ट के साथ साथ एयरबस के ए फोर हंड्रेड एम जैसे एयरक्राफ्ट और एम्बेरियर कंपनी के सी थ्री नाइन्टी मिलेनियम एयरक्राफ्ट भी शामिल है अब दोस्तों इन तीनों कंपनियों को अगर देखा जाए तो तीनों कंपनियों में से एम्बेरियर कंपनी के तरफ से जो प्रयास है वो सबसे अधिक चलाया जा रहा है और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू की एक तरीके से एम्बेरियर अपने सी थ्री नाइन्टी मिलेनियम एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए काफी अधिक उत्सुक है और दोस्तों में आप लोग तो को कल के ही एक वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से एम्बेरियर कंपनी के द्वारा केवल मात्र एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तक को भारत को देने को कहा जा रहा है दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो एम्बेरियर के किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टो का इस्तेमाल अब तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो नहीं किया गया है लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो नेत्र मार्क मार्कवान एवेक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है वो एम्बेरियर के ई एम बी वन फोर्टी फाइव प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बनाया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ एडिशनल और ऐसे एयरक्राफ्ट को भी भारत खरीदने के तरफ आगे बढ़ रहा है जबकि दूसरी तरफ दोस्तों एयर कंपनी के तरफ से भी कोई कम प्रयास नहीं चलाया जा रहा है बल्कि एयर कंपनी भी भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनी इवन हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के साथ अपने ए फोर एम एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने को लेकर बातचीत कर रहा है ऑलरेडी अगर देखा जाए तो एयर कंपनी के सी टू एयरक्राफ्ट को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है जो की एयर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पर यहाँ पे इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट का बात करके एक तरीके से एयरबस कंपनी के लिए ये टेंडर जीतने का रास्ता साफ कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत के सामने हुआ है इन तीनों में से सबसे हैवी पेलोड वाला एयरक्राफ्ट खाली ए फोर एम नहीं है बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल सबसे हैवी पेलोड वाला एयरक्राफ्ट फिलहाल ए फोर एम ही है जिससे की दोस्तों ना चाहते हुए भी भारत के सामने अगर इल्यूजन सेवेंटी सिक्स जैसे एयरक्राफ्टो को रिटायर करना है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ए फोर एयरक्राफ्ट ही होगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेके भारत की तरफ से एक अलग तैयारी किया जा रहा है जो काफी हद तक कंफ्यूजन भी बना रहा है और काफी हद तक कंफ्यूजन को दूर भी कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट के डील को लेकर सभी कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आया था की इंडियन एयरफोर्स करीबन सौ एडिशनल तेजस मार्क वन एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा जबकि उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से अपने बयान में कह दिया गया है की सौ एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एग्जैक्टली नाइनटी सेवन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा जिससे की इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आने वाले समय में करीबन दो सौ बीस तेजस एयरक्राफ्ट होगा वही पे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के के से हाल ही में और एक बयान देते हुए ये भी बता दिया गया की ये जो नया एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट है इसमें बदलाव तो होगा लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा दोस्तों एडिशनल सौ तेजस एयरक्राफ्ट के खरीदने के खबर के साथ साथ दूसरी तरफ ये भी खबर आया था कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इसमें इस्तेमाल होने वाले इजेक्शन सीट्स को बदल के रशियन इजेक्शन सीट्स इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और ऑलरेडी दोस्तों डेन के टायर को बदल के एम के टायर का इस्तेमाल का बात कहा जा चुका है जो कि एक तरीके से दर्शा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करने को लेके भी तैयार किया जा रहा है और कई सारे पार्ट्स को भी बदला जा रहा है तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के के किया गया है की ओवरऑल सेम डिजाइन के साथ ही इन एयरक्राफ्टों को एडॉप्ट किया जाएगा लेकिन इसमें कुछ माइनर बदलाव होगा मतलब कुछ माइनर चेंजेस या अपग्रेशन होगा अब दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो सेवेंटी तेजस मार्क वन एयर क्राफ्टो को खरीदा गया है ओवरऑल इसमें करीबन 65 परसेंट इंडिजिनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ये जो एडिशनल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीबन करीबन तक इंडिजिनियस कंटेंट होगा मतलब और पांच विदेशी इक्विपमेंटो को इंडियन इक्विपमेंटो से इन एयरक्राफ्टों में बदला जाएगा हिंदुस्तान एयरनोटिक्स लिमिटेड असल में तेजस मार्क वन एयरक्राफ्टों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिटों के साथ इंडिजिनियस कंटेंट को और बढ़ाना चाहता है जो कि धीरे धीरे करके बढ़ भी रहा है और दोस्तों इससे एक तरीके से भारत को अपने अन्य एयरक्राफ्टों को भी और अधिक इंडिजिनियस करने में मदद मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को ही देख ले जिससे की अस्सी प्रतिशत अधिक इंडिजिनियस कंटेंट से बनाने को लेके अभी से ही तैयारी किया जा रहा है तो दोस्तों वही पे एम सी एयरक्राफ्टों में ये इंडिजिनियस कंटेंट और अधिक होगा जबकि दोस्तों तेजस मार्क वन एयरक्राफ्टों के एडिशनल एयरक्राफ्टों में एक नए फीचर को भी बढ़ाया जाएगा और दोस्तों कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद इसमें लोकली डेवल्प इंफ्रा रेट सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी लगाया जाए जो की इन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्टों को और एनहांस करेगा साथ ही साथ इन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्टों को एक तरीके से रेडर साइलेंस रखते हुए दुश्मन के क्षेत्र में भी काम करने में मदद करेगा दोस्तों तो तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के तरफ से ये इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों को लेके जिस तरीके से काम किया जा रहा है और जिस तरीके से एम टी ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टो के द्वारा इल्यूजन 76 सिक्स एयरक्राफ्टो को रिटायर करने का तैयारी किया जा रहा है यह सही है यह गलत है कॉमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम